अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। दिस इज शमशीर अली, मेरे साथ मेरे दोस्त है मंसूर। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम लोग निकले हुए हैं, थोड़ा सा काम एक जगह पे, ऑफिस पे जाएंगे हमारा, उसके अलावा थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे। तो चलिए, ब्लॉग वगैरह कुछ बनाया नहीं था फैमिली जाने के बाद, ये फर्स्ट ब्लॉग ही शुरू कर रहा हूँ फैमिली जाने के बाद। गाइस अभी तो फैमिली वगैरह गई थी, सेट में था, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, तो अभी फैमिली जाने के बाद फर्स्ट ब्लॉग है गाइस। तो चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ हमारे ऑफिस में जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर एक मस्जिद भी है और एक म्यूजियम भी है, पॉसिबल होगा तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा गाइस। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए सामने पूरा एरिया तोड़ के लेबल कर दिए, पूरा मैदान ही बना दिए गाइस। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, कुछ भी नहीं है गाइस। देखिए सामने काम वगैरह चल रहा है, क्रेनें लगे हुई हैं। चलिए फटाफट हम लोग जो है यहाँ से अभी टैक्सी पकड़ेंगे और सीधा निकलेंगे ऑफिस के लिए। वैसे हम लोग के ऑफिस के नीचे बिल्कुल ही एक पुरानी मस्जिद भी है, वहाँ पर म्यूजियम भी है, तो ओपन रहेगा तो आप लोग को पॉसिबली दिखाने का कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए बने रहिए, चलेंगे अभी फिलहाल। हम लोग अभी टैक्सी में बैठ चुके हैं, मेरे साथ मंसूर भी है, दोनों जा रहे हैं, थोड़ा ऑफिस में काम है। वो टाइम अभी अराउंड 10:30 हो रहा है मॉर्निंग का। सुबह सुबह अभी हम लोग निकले हुए ब्रेकफास्ट करके, नाश्ता वगैरह करके। तो चलिए लेके चलता हूँ आप लोग को। कवर अल फलक जगह का नाम है, वो बवादी के में एरिया में ही आता है गाइस एक्चुअली। ये सामने देखिए हार्डिस, एक मैनुअल सुपरमार्केट है गाइस यहाँ पर, सेम पांडा वगैरह के जैसा, जैसा केयरफोर हाइपर पांडा वगैरह आता है ना गाइस, ऐसे ही मैनुअल भी है एरिया को गाइस सारा फलस्तीन बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरा जवाल मार्केट है इधर सामने में, ये पूरा जो भी यहाँ मोबाइल का कंपनी है गाइस, सिम का कंपनी, मोबाइल, ज़ेन, STC, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उसके सारे ऑफिस जो है इधर ही है। फाइनली हम लोग आगे पहुंच चुके हैं हमारे ऑफिस के पास। अभी अभी हम लोग जो है टैक्सी से उतरे और हमारे ऑफिस के सामने ही गाइस जो मैं आप मस्जिद के बारे में बात कर रहा था आप लोग को, ये सामने देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा मस्जिद गाइस, बहुत ही पुराना मस्जिद है, करीबन कई सौ साल पुराना मस्जिद है। इसका आप लोग को जो है हिस्ट्री बताऊँगा, मैं पूरा डिटेल में दिखाने का कोशिश करूँगा गाइस। इसके ये मस्जिद भी है और म्यूजियम भी है गाइस। ये देखिए इस मस्जिद के सामने गाइस, देखिए किस तरह का मॉडल बना हुआ नीचे। ये मस्जिद है नववी वगैरह का मॉडल, सारा कुछ बना हुआ हर जगह का गाइस। देखिए अलग अलग सा नीचे सामने पूरा इस तरह का कोई छोटी छोटी हैंडमेड बनाए हुआ है गाइस। इधर भी मस्जिद के बाहर का एरिया है और मस्जिद का गाइस कलाकारी देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा है बाहर से। ये सारा गाइस जो है लकड़ी का काम है पूरा। मस्जिद का नाम जो है गाइस इधर लिखा हुआ देखिए जामा अल बरात। और गाइस यहाँ पर जो है म्यूजियम है, अभी फ़िलहाल तो बंद है, देखिए लिखा हुआ अल तैयब सिटी म्यूजियम फॉर इंटरनेशनल सिविलाइजेशन। देखिए फ़िलहाल तो बंद है इसका गेट, ये इसके अंदर गाइस जो है पुराने गदीमा सामान वगैरह सारा कुछ है, अभी फ़िलहाल बंद है। अल तैयब म्यूजियम नाम है इसका। बाकी किस बाहर का गाइस देखिए मॉडल कैसा, ये लोग जो है सजा के रखे हुए, यानी हैंडमेड बना के, ऐसा लग रहा है एक सिटी है पूरा गाइस। जो पहले ज़माने में अरब का शहर होता था, अरब का सिटी होता था, इसी तरह का कुछ होता था, शहर बसा हुआ होता था, तो उसका एक मॉडल बना के बाहर रखे आदमी देखने के लिए गाइस। देखिए जो गाइस 500 साल 1000 साल पहले अरब का सिटी कुछ इस तरह का होता था गाइस। देखिए पूरा इसका पूरा मॉडल है गाइस।
बाकी इंटीरियर पूरा लकड़ी का बाहर है गाइस, और डिज़ाइन भी पुराना है। इंफॉर्मेशन वगैरह इसके अंदर लिखा हुआ है गाइस, इसका मोबाइल नंबर वगैरह, ये जो म्यूज़ियम का अंदर जाने का क्या क्या शराइत वगैरह है। तो देखिएगा इधर सामने अल तैयब इंटरनेशनल सिटी म्यूजियम फॉर साइंस एंड इंफॉर्मेशन के लिखा हुआ है। द म्यूजियम वॉज फाउंडेड 40 years ago, ये 40 साल पुराना म्यूजियम है, बाय द एफर्ट ऑफ मिस्टर अब्दुल रऊफ हसन खलील लिखा हुआ है। अल तैयबात इंटरनेशनल म्यूजियम है गाइस, यहाँ पर ये जिद्दा का बहुत ही पुराना ओल्ड म्यूजियम है, 40 ईयर्स ओल्ड जो है ये म्यूजियम है गाइस, 40 साल पुराना। और उसके साथ में एक बहुत पुरानी मस्जिद भी है, देख रहे होंगे। मंसूर घुमा के दिखाओ। लोग पूरा जो सऊदी का सिटी होता था पहले ज़माने में, सऊदी लोग जैसा शहर बना के रहते थे उस तरह का मॉडल बना के रखे हुए, आप लोग को डिटेल में दिखाऊंगा। और अभी हम लोग देखते हैं अंदर जाने का ट्राई करेंगे, अगर पॉसिबल है तो अंदर से लेके दिखाऊंगा, वरना आप लोग को बाहर से थोड़ा दिखाऊंगा, मस्जिद वगैरह भी दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए दिखाता हूँ आप लोग को अंदर जाएंगे। लोग आके पहुँच चुके हैं अल तैयब म्यूजियम के अंदर। देखिए इधर से इस तरह का कुछ व्यू अंदर का है गाइस। अंदर तो अभी शायद बंद है, अभी कोई दिख नहीं रहा है गाइस। नेक्स्ट टाइम आप लोग को अंदर से आके पूरा डिटेल में व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस जो है मस्जिद नबवी का मॉडल वगैरह बना हुआ है, बाकी पूरा इस तरह का कुछ अंदर का लुक है गाइस। ये देखिए गाइस टाइमिंग जो है सुबह, ये जो म्यूजियम है गाइस 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर में चलता है, और इवनिंग में 5 से लेकर 9 बजे तक चलता है। इसका टिकट जो है 80 रियल का है गाइस यहाँ पर फिलहाल। और ये अंदर में पूरा 1, 2, 3 थर्ड फ्लोर तक म्यूजियम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारा कुछ दिखाते हैं इन लोग। इसका गाइस ईमेल एड्रेस भी है, तो नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है गाइस। अभी जो है 12 बजने वाला, हम लोग अभी नहीं जा रहे अंदर, बाहर से ही घूम के देखे, आप लोग को दिखाने का ट्राई किया। बाकी जो है गाइस ये एवरीडे गाइस जो है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह में, और इवनिंग में 5 से लेकर 10 बजे तक खुलते हैं। ये पीछे पूरा देख रहे होंगे पूरा म्यूजियम है, थर्ड फ्लोर तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर तक, ये जो पुरानी चीज़ें हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सऊदी अरब के, जो गदीमा हालत है, गदीमा के जमान, गदीमा के सामान है, सारा कुछ आप लोग यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं भी अंदर से नहीं गया हूँ, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग को एक बार अंदर जाऊँगा मैं, जब भी पूरा डिटेल में उसका व्यू दूंगा आप लोग को। फिलहाल मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बाहर से आप लोग को थोड़ा सा व्यू वगैरह दे दिया। तो चलिए अभी चलते हैं रूम पे, बाकी हम लोग का काम वगैरह जो भी था ख़त्म हो चुका है। चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड कर रहा हूँ, छोटा सा एक ब्लॉग था आप लोग को छोटा सा देने का डिटेल किया। बाकी यहाँ इसका जो म्यूजियम का लोकेशन वगैरह मैं ऐड कर दूंगा, ये जगह का नाम बवादी है और दवर अल फलक है, यहाँ से आप लोग आ सकते हैं, जिद्दा में है गाइस ये। तो कोई भी अगर देखना चाहते हैं, बाहर से आना चाहते हैं कि और लोकल भी आदमी देखना चाहते हैं, आके देख सकते हैं। 80 रियल का टिकट आता है गाइस, एक आदमी का पर पर्सन 80 रियल का टिकट है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना गाइस, जो भी मैं वीडियो नए नए डालूँ आप लोग के पास उसके जो है नोटिफिकेशन जा सके। तो हमारे मंसूर साहब भी साथ में है, चलिए मिलते हैं। मंसूर साहब का गुड न्यूज़ भी है, बाद में इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुआ में याद रखना। जैसे मस्जिद नबवी मदीना मनवरा में गुंबद है, हरा गुंबद, इसके मस्जिद का भी बिल्कुल देखिए, मस्जिद नबवी के जैसा गुंबद है, हरा गुंबद, जैसे गुंबद खदरा सेम मॉडल में मस्जिद के ऊपर जो है गुंबद बना हुआ है, गुंबद खदरा का स्टाइल में देखिए गाइस।